थोड़ी प्रोटीन खाना शुरू कर देती हैं एकदम लेडीज या जेंट्स के आज से या कल से शुरू कर दिया, तो उससे क्या कोलैप्स कर जाते हैं आप लोग, कि प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता, वीकनेस शुरू हो जाती है और उसकी वजह से आपके सारे प्रोटीन बॉडी में फैट कितना स्टोर होता है, प्रोटीन भी अगर नहीं, अगर वो आप बहुत एक्सेस हो जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा दिन में प्रोटीन खा रहे हैं, एक्सेस कैलोरीज आल्सो कन्वर्ट इनटू फैट, ठीक है, वो तो एक डेफिनेटली बात है, चाहे वो आप प्रोटीन बेस हो या कार्बोहाइड्रेट बेस हो या फैट बेस हो, लेकिन फैट फॉरन जाके स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में जाके होता है, और एट द सेम टाइम अगर आप खा रहे हैं, लेट सपोज अगर हम किसी को एग व्हाइट्स कहते हैं तो एट द सेम टाइम 3 to 4 से ज्यादा नहीं कहते, एकदम ठीक है दिन भर आप एग व्हाइट खाते रहो, एग व्हाइट खाते हैं जो लोग, मगर पूरे दिन में उसे डिवाइड करके 4-5 दफा में खाए, 3-4 दफा में खाए, मैक्सिमम 3 to 4, लेडीज को 2 to 3, जेंट्स को 3 to 4, हाँ बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं उनको हम 6 भी बोल देते हैं, क्योंकि वजह है कि वो आप उसको बर्न नहीं कर पाएंगे और वो जो एक्सेस जो प्रोटीन ऑल्सो कन्वर्ट इन टू फैट। ठीक है सर, वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट जिम में क्या चीज होती है, कौन सी मशीन जो है, कार्डियो, कार्डियो में क्या चीज आती है, स्टेशनरी बाइक है आपकी, ट्रेडमिल है आपका, अच्छा लैप्टिकल का भी बताऊं, मैं अपनी सिस्टर का बताऊं, कनाडा से फोन आया, कह लेंगे मैंने ना वो लैप्टिकल लिया मगर मुझसे 5 मिनट ज्यादा होते नहीं हो, मैंने किस बेवकूफ ने बोला तुम्हें लैप्टिकल करनी है, यानी क्या मतलब लैप्टिकल, मेरा लैप्टिकल का मतलब ये है कि मुझे हार्ट बीट तेज हो जाती है, अब लैप्टिकल इतनी टफ चीज है, ये आप ऐसे कहें कि एक आदमी इतना चलता फिरता उसे एकदम आप भाग के 10 मंजिले चढ़ जाओ जाके, तो उसका क्या असर होगा, हाँ वो पहले अगर वॉक करते, मतलब सबसे पहले आप कार्डियो करो जिसके अंदर ट्रेडमिल साइकिल वॉट एवर कोई भी वॉक करो, जो कि जब तुम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स पहुंचोगे फिर लैप्टिकल पे आओ, लैप्टिकल पे जो डायरेक्ट पहुंचते हैं वो बिल्कुल ही बेवकूफी है, कि आप लैप्टिकल तो एक तरीके से बहुत ही हार्ड और एडवांस एक्सरसाइज है, उससे पहले अपने आप को आप बेसिकली तो अपने आप उसको, अच्छा वॉक भी ऐसे ही है कि आप शुरू में 5-10 मिनट करें, डेली 2-4 मिनट बढ़ाते चले जाएं आप, ये नहीं कि आप आज गए आज ही 1 आवर की वॉक शुरू कर दी ताकि दूसरे दिन पाओ में इतनी तकलीफ होती है कि फिर नहीं जाते, ये बिल्कुल गलत हम लोग के तरीके हैं, तो ये मैं अपनी सिस्टर का वाक्य बताऊँ, कहेंगे अच्छा तो आपसे तभी मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती थी क्योंकि आप एकदम लैप्टिकल पे आ गए और 5-10 मिनट से ज्यादा क्या करेंगे आप, नहीं मतलब आप स्टार्ट करो तो ट्रेडमिल से करो, फिर थोड़ा ट्रेडमिल या ट्रेडमिल नहीं है घर में आप वॉक करें घर में, ठीक है आप अपने जाके वॉक करें, आप स्टेशनरी बाइक ले लें, अच्छा लोअर सेक्शन जिसका ज्यादा है वो स्टेशनरी वॉक से ज्यादा स्टेशनरी बाइक अच्छी है उसके लिए, अच्छा हाँ जो खास तौर पे लेडीज के लिए मैं बता रहा हूँ कि लेडीज को जो लोअर सेक्शन, लेकिन वो तो इट्स मोर फॉर द थाइज एंड द बैक नॉट फॉर द टमी, मैं लोअर सेक्शन मेरे ख्याल से टमी से लेके नीचे तक थाई तक आता है पूरा, तो साइकिल टमी पे भी काम करेगा, यस, और उसके अंदर थोड़ा साइकलिंग का करने का एक पोस्चर अलग होगा, हैला क्या एक तो होता है आप सीधी टांगे चला रही, एक आपने अपने इस जगह को मूव करना साथ साथ उसके, आपने देखा कि आप साइकिल इस तरीके से मूव करेंगे तो आपकी ये जगह को मूवमेंट मिलेगी, ठीक है ठीक है, तो वो आपको पूरा मिड सेक्शन को लेके जाएगा वो साथ, तो देखें कार्डियो तो कोई भी करेंगे फैट खत्म होगा, चाहे वो आप ट्रेडमिल करें, साइकिल करें, स्विमिंग करें, व्हाटएवर कुछ भी करते हैं, लेकिन साइकिलिंग से होता है कि आपके लोअर सेक्शन के अंदर जब आप इतनी देर उसको इंटेंस करते हैं तो वो भी आपको श्लिंग होना शुरू होता है जो लेडीज का, अच्छा वो अपर ना करें घर में, जैसे मैं उनके लिए कह रहा हूं जो घर में एक्सरसाइज करें तो वो ट्रेडमिल से ज्यादा उनके लिए साइकिल बेस्ट है, साइकिल बेस्ट है उनके लिए, साइकिल भी एक फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में नॉर्मल, नो 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 नो, उसमें तो थक जाएंगे ना बहुत जल्दी, आपको 10-15 मिनट से स्टार्ट करना, हैंड आपके रेस्ट किए हुए होते हैं, आप आराम से बैठे होते हैं, मैंने भी आपसे बार बार कह रहा हूँ जिसका अपर को कुछ नहीं करना लोअर कम करना, जिसने ठीक है जिसने लोअर कम करना है वो जाके ट्रेडमिल लाता है और ट्रेडमिल पे अपना कार्डियो करता है तो वो ओवरऑल बॉडी कर रहा है, वो अपर से भी कम होगा लोअर से भी कम होगा, तो वो बॉडी का जो उसका जो फिगर है वही रहेगा कि लोअर ज्यादा है, साइकिल के अंदर वो होगा जिसका लोअर ज्यादा है और अपर नहीं है, उसने अगर घर में करने तो साइकिल जब लेगा तो साइकिल से ये होगा कि उसकी लोअर सेक्शन पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, उसका अपर उसका वही जो था तकरीबन इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा उस पर, ठीक है इस वजह से, ठीक है। अच्छा सर एक बात, जॉगिंग फीमेल को मना की जाती है, व्हाई, वो कहते हैं नहीं जॉगिंग इज नॉट गुड फॉर फीमेल, जॉइंट्स के लिए भी अच्छी नहीं है, नीज के लिए बहुत जोर पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता है, लोअर बैक पे बहुत प्रेशर पड़ता है, नहीं देखें अब एक बात सुने ना, अगर एक लेडी, मैंने अभी जो कहा एरोबिक्स हो गई आपकी, जो अगर एक 80-90 kg की लेडी है उसको आप जॉगिंग एरोबिक्स नहीं करनी चाहिए, जाहिर है उसका इतना वेट है उसका जॉइंट पे आ रहा है, लेकिन एक जनरल फिटनेस के लिए तो जॉगिंग बेस्ट है, ठीक है, जैसे अगर एक दुबली पतली है लड़की है या औरत, वो जॉगिंग करे फिटनेस के लिए तो वो तो अच्छी है उसके लिए, लेकिन अगर एक 80 kg की खातून को आप कहें भागे वो और वो कहे तो वो बड़ा हार्मफुल है कि वो उसका गिर भी गई या उसके जॉइंट्स पे जितना उसको ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है वो नो डाउट किस वजह से है वो लॉजिकली तो सही। अच्छा सर अब थोड़ा सा मुझे क्रंचेस के बारे में बताइए कि क्रंचेस क्या है, किस तरह एक्ट करते हैं, कहते हैं आपके एब्डोमेन की फैट खत्म करने के लिए आप ना क्रंचेस लगाएं, तो इज इट ट्रू कि आप एब्डोमेन की फैट खत्म करने के लिए क्रंचेस लगाते हैं? नहीं, टमी निकला हुआ है आपका, आप चलो क्रंच लगा लो, वो मुझसे भी होता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ बोलते हैं जी हमें पेट की एक्सरसाइज बता दें, तो मैं उस पर एक बात बोलता हूँ, मैंने पेट हमारा कम कैसे होगा, मैंने इसकी दो एक्सरसाइज है,
मुंह की और गर्दन की एक्सरसाइज करें हम। ये क्या बात है सर? हाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, आपको अपना टमी कम करना, पेट कम करना, मुंह और गर्दन की एक्सरसाइज शुरू करें। जब आपको उल्टा सीधा खाने को कोई कहे तो मुंह ना में हिला दें और मुंह से खाए नहीं हो तो गर्दन हिला दें। तो ये दो एक्सरसाइज आप करेंगी तो आपकी टमी, बात ये है कि जब आप क्रंचेस लगाते हैं और उल्टे आपके मसल डेवलप हो जाते हैं अंदर और टमी बाहर आ जाता है, उसकी वजह ये कि आपके मसल्स और स्किन के बीच में फैट होता है, स्किन एंड मसल के मिड में आपके फैट जमा होता है ना, आपको जो आपके वो दूर होता चला जाता है। अब आप क्या कर रहे हैं, पीछे आपका ये मसल है उधर, इसमें अब आप इस मसल को भी ग्रो कर रहे हैं तो वो मसल पीछे से पुश करेगा, दौर बाहर आएगा। हाँ, अच्छा वो बगैर डाइट के कार्डियो को नहीं होगा। अच्छा एक चीज कहता हूँ, एक सिंपल आपने अगर करना है वो भी किस लिए, उससे टमी इसलिए नहीं कि फैट खत्म होगा, उससे आपका स्टमक बड़ा स्ट्रांग होगा, जिसके लिए जब देखें मसला क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपके टमी पे फैट ज्यादा आता है, ठीक है। अगर आप सिंपल क्रंचेस करते हैं फ्लोर पे लेट के सीधी टांग करके, बहुत से लोगों टांगे ऊपर करके जी ऊपर हाइट पे करके या बोर्ड पे करके उतनी टफ होती है कि वो हो नहीं पाते सही तरीके से 12-15 रेप्स के साथ, 12-15 रेप्स के साथ। आप सिंपल क्रंचेस करें, एक फ्लोर पे लेट जाएं, स्ट्रेट पाँव जमीन दीवार के साथ टच करें और सिंपल आप इसको क्रंचेस लगाएं 12-15 के साथ शुरू करें और इसको आप 6 सेट्स तक ले जाएं 50-100 रेप्स। उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टमक स्ट्रांग होना शुरू होगा, जब स्टमक स्ट्रांग होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही होगा तो खुद ब खुद आपके बॉडी से फैट टमी से करना। एक जिम की मशीन आती है आप क्रंचर टाइप होती है, मतलब यू मस्ट बी नोइंग इट, कि आप नीचे अपने पांव उसमें फिक्स करके यू होल्ड इट एंड यू गो लाइक दिस एंड कम बैक, सो इट्स फॉर द सेम पर्पस। मैंने कहा ना वो आप 12 रेप्स से ज्यादा कर ही नहीं सकती हैं, आपने कोई भी चीज करना है बहुत टायरिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम जो है जिसमें रेप्स निकलते हैं वो एक्सरसाइज करनी है, जो भी चीज कम करनी है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी अब बात हुई कि हमने बॉडी के अंदर आर्म्स कम करने, जैसे फिर निकाल, तो मैं इनका क्या होगा, इनका हाई रेपुटेशन एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, बहुत ही कम रेस्ट होगा उसके अंदर, बहुत ज्यादा रेपुटेशन निकले ताकि श्रिंक होना शुरू हो जाए। बेसिकली होता ही है कि जब हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो आप बॉडी के अंदर आपके जो मसल के फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और ब्रेक होते हैं वो ग्रो होते हैं जब हैवी लिफ्ट करते हैं, और जब आप लाइट के अंदर ज्यादा रेपुटेशन की तरफ जाते हैं तो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो टमी के लिए बेस्ट ये कि आप घर के अंदर सिंपली आपने पांव सीधे करने, बिल्कुल स्ट्रेट लेटना और सिर्फ आपने क्रंचेस अपर हाफ उठना है, देन गो। इस तरीके से आपने 12 के पहले 4 सेट शुरू करें, बिल्कुल स्ट्रेट करके या बिल्कुल करके? नो वी करेंगे तो आपके लोअर रिलैक्स होगी ना, फिर तो आपका स्ट्रेट करने से आपका लोअर रिलैक्स नहीं होगा, तो वो अगर करते हैं तो बेस्ट होगा टमी के लिए। लेकिन आप ये कहेंगे जी खाली मैं टमी की एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं डाइट ना करूँ, मेरा पेट कम हो जाए, निहारी कोर में बिरयानियाँ खाऊँ जाके, मैं तंदूर की रोटी पराठे हलवा पूरी खाऊँ, पेट कम हो जाए, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। और ज्यादा बेस्ट है अगर आप इसको कार्डियो के साथ करें तो वही नहीं, कार्डियो देखें, कार्डियो तो वैसे ही जरूरी है आपके लिए, कार्डियो ही फैट खत्म करेगा आपका, अच्छा बाकी का वो जो कार्डियो, लेकिन उसके साथ डाइट मस्ट है। अच्छा आप डाइट नहीं करते और बाकी आप एक्सरसाइज करें तो मजीद मोटे नहीं होंगे आप, 2-4 किलो कम हो जाएगा वेट, अगर जो लोग डाइट नहीं करते और फिर वो कहते हैं जी हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, डाइट हम कर नहीं सकते, जब डाइट नहीं कर, रोटी हम नहीं छोड़ सकते, जब रोटी नहीं छोड़ सकते, डाइट नहीं कर सकते, तो आपने मेरी दिल की आवाज सुनी है क्या अभी? ये सबके साथ है, रोटी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है जब रेगुलर हो बंदा रोटी, एक्सरसाइज कर लेंगे डाइट नहीं होता, बहुत मुश्किल काम। अरे डाइट से याद आया कि अभी हम शफी का डाइट प्लान पूछ रहे थे, शफी ने हमें खतरनाक सा ब्रेकफास्ट, अजीब और गरीब सा हेल्दी ब्रेकफास्ट बताया, उसके बाद शफी आप क्या खाते हैं और कितनी देर में खाते हैं? फिर उसके बाद आफ्टर 2-3 आवर्स के बाद थोड़ा सा वो खा लेता हूँ, क्या नाम है, प्रोटीन सैंडविचेस। प्रोटीन सैंडविच में क्या होता है? चिकन, प्रोटीन लिख के दो स्लाइस के बीच में रख दिया, क्या होता है प्रोटीन सैंडविच? चिकन एंड वो ब्राउन ब्रेड और उसके अंदर जो है वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स आप उसे कह रहे हैं, पत्ते शत्ते डाल दिया। हाँ बस वही कुछ। और वो करने के बाद उसके बाद थोड़ा बटर शटर लगाया, नहीं बटर शटर नहीं, नो बटर, नो बटर, थोड़ा मैंने शाइनिस डाला, कुछ नहीं क्या। हाँ, बटर अगर यूज भी करते तो पीनट बटर यूज करें आप, पीनट बटर, ठीक है। आफ्टर दैट फिर 2-3 आवर्स के बाद फिर लंच हो गया, लंच के अंदर बॉइल्ड चिकन होगी। अभी देखिए तो ड्यूरेशन आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी खाना हो रहा है, बट ये भी तो देखिए खाना क्या हो रहा है, बॉइल्ड चिकन और उसके साथ टू बॉइल्ड चिकन, क्या पूरी मुर्गी का 1 किलो खा लिया? नहीं नहीं हाफ चिकन, अच्छा हाफ चिकन बॉइल्ड, हाफ चिकन, हाफ चिकन खा ली, नहीं हाफ, आप जितना खाएंगे उतनी भूख लगेगी आप। देखिए इसमें प्रोसेस में आपको बताऊं क्या है, आप अभी मैं चाय पी रहा हूं, अगर इसके अंदर पत्ती तेज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, दूध ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ये प्रोसेस में थोड़ा सा समझाऊं कि जब हम प्रोटीन हाई करते हैं और कार्ब, अच्छा सिंपल कार्ब्स हम क्यों लेते हैं,
आपको अगर आप सादा प्रोटीन लेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, वो बड़ा खतरनाक हाँ. हो जाता है. तो इसलिए सिंपल कार्ब मस्ट है कि आपने लेना है फाइबर वाले, खासतौर पर हाई फाइबर जो होते हैं. असल में हम करते ये कि बाय माउथ आपने वो कैलोरीज रोकते हैं, यानी फैट मिसाल के तौर पर आपने रोक लिया और आप प्रोटीन एक्सेस करे जा रहे हैं. रिक्वायर्ड आपका जो बॉडी का रिक्वायर्ड प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उससे आप एक्सेस चले गए, ठीक है. जब आप एक्सेस चले गए तो आपका जो बॉडी है वो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर से कि मुझे फैट दो, और आप फैट बाय माउथ दे नहीं रहे उसको. तो फिर क्या कुदरती तौर पे एक सिस्टम आपके अंदर चला जाता है जो आपके बॉडी के अंदर जहां जहां फैट होता है उस फैट को वो वहां से यूटिलाइज करना शुरू करता है. हाँ. क्योंकि प्रोटीन इतना एक्सेस हो गया उसे उसे फैट चाहिए उसे उसे डाइजेस्ट करने के लिए या उसको साथ मिलने के लिए आगे. तो वो ये प्रोसेस है, इसलिए हम प्रोटीन हाई करते हैं. आप ये एग खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं तो ये अपने अंदर प्रोटीन को एक्सेस कर रहे हैं ग्रेजुअली, और फिर उसके बाद फैट खुद ब खुद उसके अंदर डिसॉल्व होना चाहिए. चलो जी, आधी चिकन खा ली, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद चाय पी ली उसके साथ. अब चाय भी वैसे फीकी सूखी होगी बिल्कुल स्किन मिल्क में, और नो शुगर. उसके बाद वो खा लिया. दोबारा एक्सरसाइज करने लगे एक्सरसाइज के बाद शाम में. फिर एक्सरसाइज सुबह में तो वॉक को वॉक कर रहा था, सुबह में वॉक कर रहा हूँ, शाम में इवनिंग ट्रेनिंग के लिए. फिर एक्सरसाइज से पहले 4 वाइट एग हो गए और ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर. और फिर एक्सरसाइज मगर ये मैं साथ बता दूं, ये हर एक अप्लाई ना करे डाइट प्लान. हां, ये हर एक ये डाइट प्लान अचानक अप्लाई ना करे कि आज सुना और कल शुरू कर दिया. कर भी नहीं सकता सर, आप परेशान ही ना. कर लेते हैं, कर लेते हैं. आपको मैं बताऊं, शब्बीर भाई का, शब्बीर जान जो है वो आए, मतलब उन्होंने उनका एक सीरियल था, उन्होंने मुझे वेट कम करना है. तो मैंने ठीक है शब्बीर भाई करते हैं, तो मगर कहने का डाइट प्लान दो. मेरा डाइट प्लान नहीं, नहीं मुझे अभी डाइट प्लान दो, मुझे अभी चाहिए डाइट प्लान, मुझे आज ही दो, मुझे बस जल्दी से करना. मेरा अच्छा आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आपने डाइट करनी नहीं है अभी, आप पहले एक्सरसाइज शुरू करें उसके बाद फिर आप डाइट अपना करिएगा. कह लेंगे ठीक है. लेकिन उन्होंने जाकर 3 दिन बाद मुझे कहते हैं, यार मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत. मेरा चक्कर आ रहे हैं, क्यों चक्कर आ रहे हैं आपको? कह लेंगे वो डाइट. मैंने बोला मैंने आपको मना किया था कि अभी डाइट नहीं करिएगा. क्यों? क्योंकि वो एकदम 3 दिन के अंदर आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, कार्डियो शुरू कर दी और डाइटिंग भी शुरू कर दी, तो बॉडी यूज टू नहीं होती, उससे क्लैप्स कर जाते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, अंधेरा आता है. जब बॉडी यूज टू, अभी आप एक सेक्शन खोले ना कि आपकी बॉडी यूज टू हो गई एक्सरसाइज की, डाइट अभी नहीं करे, जब वो यूज टू हो जाए फिर आप डाइटिंग शुरू कर दें. तो आफ्टर 10-15 डेज के बाद हाँ, आप जब एक्सरसाइज शुरू करें वर्स्ट डाइट छोड़ दें, या जंक फूड जो होता है, जैसे आप तंदूर की रोटी से घर की रोटी पे आ जाएं, आप कोल्ड ड्रिंक से चाय पे आ जाएं या जूसेस पे आ जाएं, खुद ब खुद आप अपने देखें, यार मैं वर्स्ट से कुछ बेहतर की तरफ चला गया. सबसे पहले बाहर का खाना बंद करें, घर पे आए फिर घर के खाने को कम करें, और इसी तरह कम होते होते ना प्रोग्राम का वक्त भी बिल्कुल कम रहेगा. खत्म हो गया, बल्कि खत्म हो गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आने का शफी. थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक नाउ टुवर्ड्स द रिडक्शन. ठीक है जी, शफी ने जो आपको बताया है आप हरगिज हरगिज ऐसे फॉलो नहीं कीजिएगा, वैसे भी आप करने वाले तो है नहीं, मुझे वैसे ही पता है. अच्छा जी, कल हम दोबारा इंशाल्लाह वापस आएंगे और इन्फॉर्मेशन और गेस्ट के साथ. में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. जगमगाए हर सुबह.